हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोमी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली लाइफ फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन की रिव्यू। और इसके 7 शेड्स मेरे पास हैं, जिनके स्वाचेस मैं आपको मेरे फेस पे नेचुरल लाइट में विदाउट एनी फिल्टर दिखाने वाली हूँ। और उसी के साथ आपके स्किन टोन एंड अंडरटोन पे सबसे ज़्यादा कौन सा शेड सूट करेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा देती हूँ इसकी। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर इसका शेड नंबर लिखा हुआ होता है। और ये एक हेवी ग्लास बॉटल में आता है। मेकअप आर्टिस्ट के नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये फाउंडेशन डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसका क्वांटिटी है 60 ml विद द प्राइस टैग ऑफ 1484 rupees। फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी लाइट होने के साथ साथ ये काफ़ी मैट फाउंडेशन है, जो मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास जो 7 शेड्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल लाइट में विदाउट एनी फिल्टर कैसे दिखते हैं। सो द फर्स्ट शेड इज़ BUF01 चीज़ केक, ये सबसे ज़्यादा फेयर शेड है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ BUF007 हनी। इस फाउंडेशन की शेड्स काफ़ी ट्रिकी थे, इसलिए मैंने चीज़ केक के बाद हनी अप्लाई किया ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अभी मैं जो शेड अप्लाई कर रही हूँ ये है BUF006 संडे। एज यू कैन सी कैमरे में फेयरेस्ट शेड के साथ ये डार्क शेड्स की कंपैरिजन ज़्यादा नहीं है, आप देख ही सकते हैं। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ BUF009 फज, जो कि चीज़ के शेड से बहुत ही ज़्यादा डार्क है, फिर भी ये कैमरे में थोड़ा सा लाइटर लग रहे हैं। बट ये फाउंडेशन काफ़ी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये अपना कलर खुद ले लेंगे टाइम के साथ साथ। और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ BUF002 कस्टर्ड, जो कि सेकेंड फेयरेस्ट शेड है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ 004 फ्रेंच टोस्ट। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा स्किन टोन पे कौन सा शेड जाएगा। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ BUF05 प्रलाइंस। एज यू कैन सी कैमरे में इनका डिफरेंस बहुत ही कम है, एक्चुअल में इनके डिफरेंस बहुत कम है कस्टर्ड और प्रलाइंस में, बट शेड्स एडजस्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ। सो मुझे लग रहा है कि इनमें से जो 06 संडे शेड है वो मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप इसको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के जैसे यूज़ कर सकते हो। मेरे फेस मॉइस्चराइज़र और प्राइमर से पहले ही मैंने प्रेप कर लिया है। ये संडे शेड का सिंगल लेयर है। फाउंडेशन को धीरे धीरे ब्लेंड करने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी थी तो मैंने स्किप कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेयर में ही इसने मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया है, तो इसका कवरेज इनसेन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी कंसीलर की जगह पे भी इसको ही अप्लाई कर लिया है, और इसी को मैं कंसीलर के जैसे भी यूज़ करूँगी अंडर माई आईज। बहुत ही बिल्डेबल फाउंडेशन है, आप कहीं पर भी इसको 2 या फिर 3 लेयर में बिल्ड कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा कवरेज मिलेगा। अगर आप बहुत ही कम अमाउंट में इसको अच्छे से स्प्रेड करके यूज़ करेंगे तो ये फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। बट अगर आपने एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे तो ये फाउंडेशन ज़रूर केकी लगेगा। तो मेरी इस एडवाइस को ज़रूर याद रखें कि इसका आपको छोटा सा अमाउंट लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो और मैक की फाउंडेशन नहीं खरीदना चाहते तो आप इस फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा कवरेज मिलेगा विद अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अभी मैंने इसका छोटा सा अमाउंट फॉरहेड और चिन पर भी अप्लाई कर लिया है, और अभी मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी फिर से। ये प्रोसेस मैं बिना स्किप किए इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन मैंने खुद परचेस किया है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मुझे हमेशा कोई भी प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना बहुत पसंद है। ये फाउंडेशन मुझे इसका कवरेज और क्वालिटी के लिए अच्छा लगा। अगर आप एक्सट्रीम ड्राई स्किन वाले हो तो बिल्कुल भी इस फाउंडेशन को ट्राई ना करें। अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन हो तो अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करें विद अ गुड मॉइस्चराइजर, आफ्टर दैट आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि इसका कितना खूबसूरत सा टेक्सचर है और स्किन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। और जितना भी ये थोड़ा थोड़ा सा वाइट लग रहा है ना, ये कुछ देर बाद जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बिल्कुल फ्लॉलेस बन जाएगा। एज़ ये फाउंडेशन प्रोफेशनल है तो मैं कंटोर एंड ब्लश
को भी अप्लाई एंड ब्लेंड करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट कितने अच्छे से ब्लेंड होते हैं, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको कितना हेल्प होगा अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कंटूर को ब्लेंड कर लिया है और हाइलाइटर को भी। अभी मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं सब कुछ सेट करूँगी और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोटी एयर स्पन लूज पाउडर, और मैं इसका बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ टू सेट दिस फाउंडेशन, क्योंकि ये फाउंडेशन ऑलरेडी बहुत ड्राई है। तो अगर आप ज़्यादा पाउडर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी दिखेगा, और अच्छा होगा अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपका पाउडर ब्लेंड करें तो ये आपके चेहरे से बिल्कुल स्टिक हो जाता है, और इससे आपका फाउंडेशन 7 to 8 hours लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। और अभी जो आप ये वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं, ये मैंने मेकअप पूरा होने के बाद 1 घंटा वेट किया, उसके बाद शूट किया था। आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा फ्लॉलेस दिख रहा है ये ऑक्सीडेशन होने के बाद। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस फाउंडेशन इफ यू हैव ऑयली और नॉर्मल टू ऑयली स्किन, एंड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस, यू विल लव इट। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना अंडरटोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्किन अंडरटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इनडायरेक्ट सनलाइट मींस विंडो के पास या फिर आमने सामने जाना होगा और अपने वेन्स पे नज़र डालना होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे रिस्ट पर ग्रीन और ब्लू दोनों वेन्स हैं। ब्लू वेन्स ज़्यादा विजिबल नहीं थे, इसलिए मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया है ताकि आपको दिखाई दे ब्लू वेन्स कैसे दिखते हैं। तो अगर आपका भी मेरे जैसे ग्रीन एंड ब्लू और पर्पल वेन्स विजिबल हो रहे हैं तो आपका अंडरटोन है न्यूट्रल। अगर आपका सिर्फ ब्लू और पर्पल वेन्स विजिबल होता है तो आपका पिंक और कूल अंडरटोन है, और अगर वहाँ पे आपको सिर्फ ग्रीन वेन्स ही दिख रहे हैं तो आपका अंडरटोन है वार्म और येलो। अभी स्किन टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने स्किन टोन को 6 types में डिवाइड किया है। मैंने आज सारे के सारे जो एक्ट्रेसेस हैं उनके स्किन टोन से आपको स्किन टोन आइडेंटिफाई करवाऊंगी। तो चलिए फेयर स्किन से शुरुआत करते हैं। करीना कपूर बहुत ही ज़्यादा फेयर है, उनके कम्प्लेक्शन को हम लोग फेयर या फिर पेल कम्प्लेक्शन भी कह सकते हैं। फेयर और पेल स्किन से थोड़ा सा डार्क है लाइट स्किन टोन, और हमारी जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रेजी है उनका कम्प्लेक्शन है लाइट। उसके बाद है हमारी प्रिटी क्वीन डिप्स मींस दीपिका पादुकोण, और उनका कम्प्लेक्शन एक्चुअल में मीडियम है। आपको लगेगा कि वो बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन की हैं, बट उनका स्किन टोन मीडियम है। अभी उनका स्किन टोन थोड़ा सा लाइट टू मीडियम की तरफ है। नेक्स्ट है मीडियम डार्क और डास्की स्किन टोन। यहाँ पे हमारी सेक्सीएस्ट बिपाशा बासु की मीडियम डार्क और डास्की स्किन टोन है। इसके बाद आता है डार्क स्किन टोन, इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डीप कम्प्लेक्शन। अभी मैं आपको शेड्स बताती हूँ। तो जो पहला शेड्स है वो है BUF 001 चीज केक, और ये फेयर स्किन के साथ न्यूट्रल अंडरटोन के लिए बना है। इसके बाद आता है BUF 002 कस्टर्ड, और ये फेयर स्किन के साथ येलो अंडरटोन के लिए बना है। और इसके बाद जो शेड है BUF 03 मिल्क केक, ये भी फेयर स्किन के साथ येलो अंडरटोन है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बस ये 02 शेड से 2 shades डार्कर है। देयर आर नो शेड्स अवेलेबल फॉर फेयर स्किन टोन विद पिंक अंडरटोन। देन द नेक्स्ट शेड इज BUF 04 फ्रेंच टोस्ट, ये लाइट स्किन के साथ येलो अंडरटोन के लिए बना है। लाइट स्किन टोन के साथ अगर आपका न्यूट्रल टू पिंक अंडरटोन है तो आप यूज़ कर सकते हैं BUF 05 प्रलाइन। फेयर स्किन विद पिंक अंडरटोन के लिए आप ये BUF 05 मिक्स कर सकते हैं चीज़ केक के साथ। नेक्स्ट शेड है BUF 06 सनडे, जो लाइट टू मीडियम स्किन टोन के साथ अगर आपका न्यूट्रल ऑरेंज काइंड ऑफ अंडरटोन है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये फाउंडेशन काफ़ी हद तक ऑरेंज होने के कारण आप इसको मीडियम स्किन टोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो शेड है वो है BUF 07 हनी, ये आप मीडियम स्किन के साथ अगर आपका येलो अंडरटोन है तो आप यूज़ कर सकते हो। इस फाउंडेशन की मोस्ट ऑफ द शेड्स इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट शेड है BUF 08 पेकन, और ये मीडियम डार्क स्किन के साथ अगर आपका येलो अंडरटोन है तो ये शेड आप ज़रूर पिक कर सकते हो। इस फाउंडेशन में पिंक अंडरटोन शेड्स बहुत ही कम है। मीडियम डार्क स्किन के लिए और एक शेड है, और वो है BUF 09 फज, ये मीडियम डार्क स्किन के साथ पिंक अंडरटोन वाले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डार्क स्किन टोन, अगर डार्क स्किन टोन के साथ आपका येलो अंडरटोन है तो आप यूज़ कर सकते हैं BUF 010 पीनट।
डार्क स्किन विथ न्यूट्रल एलेक्टोन कैन यूज BUF011 कैरमल। ये भी एक येलो डोमिनेंट न्यूट्रल शेड है। नेक्स्ट और लास्ट शेड है BUF012 ब्राउनी, ये थोड़ा सा ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है। तो अगर डीप स्किन के साथ न्यूट्रल ऑरेंज एलेक्टोन है तो आप ये शेड यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 12 शेड्स ऑफ डेली लाइफ फॉर एवर 52 प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। गुड बाय।